दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक सियाने और एक डेढ़ सियाने। सियाने वो होते हैं जो गलती करके अपनी गलती को मान लेते हैं, और डेढ़ सियाने बेवकूफ, यानी कि अपनी गलती को मानते ही नहीं। अब मेरे इस डायलॉग से आप सबको पता तो लग ही गया होगा कि आज हम कौन सी मूवी के बारे में बात करेंगे। मूवी है रांची डायरीज। इस मूवी के डायरेक्टर हैं सात्विक मोहंती, जिन्होंने माई फ्रेंड पिंटो और मराठिया गैंगस्टर जैसी मूवीज में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया था। अब इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं अनुपम खेर, जिनको काफ़ी टैगलाइंस भी मिले हैं, जैसे हार्ड वर्किंग पर्सन और रिपीटेड फेलियर्स, मतलब वो अपनी गलतियों से सीख सीख कर आगे बढ़ते हैं, ना कि नीचे बैठ जाते हैं। सो इसी पर मुझे दो लाइन्स याद आ रही हैं, गलतियाँ कीजिए, सीखिए, फिर गलतियाँ कीजिए और फिर सीखिए, यही जिंदगी है। अब बात करते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी में सौंदर्य शर्मा, अनुपम खेर, जिम्मी शेरगिल, हिमांश कोहली और ताहा शाह जैसे आपको स्टार्स देखने को मिलेंगे। इस मूवी की ड्यूरेशन है 1 hour 37 minutes। अब बात करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स, इस मूवी की स्टारकास्ट काफ़ी अच्छी है। अगर स्टारकास्ट अच्छी है तो उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। इस मूवी की डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस मूवी का ये है कि इसमें स्टोरी लाइन इज टू वीक, मतलब इसमें आपको स्टोरी में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ऑडियंस को समझ ही नहीं आता कि मूवी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। इस मूवी में पूरी स्टोरी एक बैंक रॉबरी पर ही डिपेंड करती है। अब बैंक रॉबरी होती है या नहीं, ये तो मूवी देखने वालों को ही पता होगा। और दूसरी बात, इस मूवी में डायलॉग्स भी काफ़ी पुअर हैं। इस मूवी के डायलॉग्स पुअर हैं तो लोगों का इंटरेस्ट मूवी देखने का बनेगा ही नहीं। सो अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को मिलते हैं 1.5 stars। मैं अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक नई मूवी और उसके मसालेदार रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। थैंक यू।